कलयुग में नया गीता ज्ञान सुनने के लिए मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आप ही नहीं, हर माँ का हृदय यही होता है जो अपने बच्चे के लिए दुलार करता है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके मंगल के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो। तुम्हारे तो एक दो बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, पर भगवान की तीन प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पालन और एक है संहार, और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं, तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, धर्म पूर्वक आचरण करे, तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशोदा मैया स्वयं भगवान लाला के रूप में आएला तो गौ की पूछ से झाड़ला और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना, मेरा लाला कन्हैया सुरक्षित रहे, क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर। तो मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता नहीं, क्योंकि माँ है ना, उनको तो लगता है मेरा लाला है, वो बार बार परेशान हो जाती थी। और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया, केशव भगवान बाजू की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति ना हो। तो ये देखो, माँ में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर माँ तपस्या पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जो भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले हैं, अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण है, तू मारा जाएगा, इसलिए जा, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूँ, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है, अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। उनका माँ ने कहा, बच्चे हो, कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ऐसे पत्ता लगा के, ऐसे गांधारी ने जी आँख खोले, ऐसे दे उनका, एक पत्ता क्यों लगा लिया? उनका, माँ तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने, अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा, यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए, जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाफ जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने। तो माँ में कितनी सामर्थ है, आप देखो, अधर्मयुक्त चल रहा है लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आँख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से, उसको भी नाम जप करवाए, आप भी नाम जप कीजिए। कलयुग में नया गीता ज्ञान सुनने के लिए मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर लो।